अब जो आगे हम समझने वाले हैं, जो समझने की चीज है वो क्या है, अघोष, शघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। ठीक है, इसको वर्गीकृत करके देखेंगे। वर्गीकृत मतलब एक टेबल फॉर्म में देखेंगे, जिससे कि कभी गड़बड़ ना हो। हमारे सामने अगर पूरी वर्णमाला है, हम फटाफट बता दें कि कौन चीज कहाँ पे है और ये सब होता क्या है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, अघोष, अघोष, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, बड़ा दिक्कत। ठीक है ना, अब दिक्कत नहीं होगी। तो दो प्रकार हो सकते हैं वर्गीकरण के, फिर से कौन कौन सा। एक है वर्णों के का वर्गीकरण घोष के आधार पे, जितने भी हमारे वर्ण हैं इन सभी का वर्गीकरण किसके आधार पे, घोष के आधार पे। ठीक है, घोष मतलब कंपन, यानी कि जब उच्चारण करते हैं तो कभी कभी कंपन होता है, कभी कभी कंपन नहीं होता है। तो जब कंपन हो तो वो क्या है, घोष है। यहां में कह दें ये शघोष है। ठीक है, यानी घोष के साथ, श का मतलब साथ लेके चल रहे हैं, तो शघोष है ये, तो जिसमें कंपन होता है। कुछ होते हैं अघोष, जिसमें कंपन नहीं होता है, षड्यंत्र में कंपन नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं अघोष। सिंपल है ना। तो अभी हम लोगों ने स्वर स्वर पढ़ा था, तो जितने भी स्वर हैं तो वो सभी क्या है, मैंने बताया था सघोष हैं, वो सभी स्वर हमारे घोष हैं। ठीक, अब व्यंजनों की बात करते हैं, तो व्यंजनों को समझने के लिए तो हम आएंगे अपनी टेबल पे, इनका उदाहरण भी देखेंगे साथ में। देखिए यहाँ पे हमारा क वर्ग है, च, ट, त, प, फिर क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ। सिंपल हमारा क्या लिखा हुआ है, हमारा वर्णमाला लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, सॉरी व्यंजन लिखे हुए यहाँ पे हमारे सब। तो अब इसमें देखिए ये हमारा अघोष है, ये अघोष है, फिर सघोष, शघोष, शघोष, यानी कि अगर हम जो हमारे वर्ण हैं, जो वर्ग हैं क, क, च, ट, त, प, इनका जो पहला और जो दूसरा वर्ण है वो देख लो क्या है, अघोष है, यानी कि इनमें कंपन नहीं होता है, षड्यंत्र में कंपन नहीं होगा। अब देखिए क बोलिए, क, ख, थोड़ा सा तो टच होने पर लगेगा ही, बट ये है कि वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। लेकिन अब हम ग को बोलते हैं, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, छ बोलिए, तो छ छ में और क्लियर हो रहा है, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, न। तो बाकी तीन में क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है, सघोष है। जो हमारा अगला है कौन कौन सा, थर्ड नंबर, फोर्थ और ये फिफ्थ, ये तीन जो है हमारे लास्ट के, ये सघोष हैं, पहले जो दो हैं हमारे क्या हैं, अघोष हैं। क्लियर हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अभी और हम देखेंगे, जब टेबल सामने आएगी पूरी तब हम और एक बार रिवाइज करेंगे। इसके पहले अभी देख लेते हैं कि यह अल्प प्राण महाप्राण क्या है ये। ठीक है, तो वर्णों का वर्गीकरण प्राण वायु के आधार पे, प्राण वायु मतलब जो वायु है वो कितनी निकल रही है, तेज से निकल रही है, धीमी निकल रही है, इसके आधार पर वर्गीकरण। अल्प प्राण, महाप्राण, जब वायु कम निकले या धीमे से निकले तो हम क्या कहेंगे कि वो अल्प प्राण है। लेकिन जब वही जो अंदर से वायु निकल रही है मुख से, वो तेजी से निकले, है ना, या ज्यादा निकले, हम ये कहेंगे तेजी से निकले, तो वो महाप्राण हो जाती है। क्लियर, प्राण का मतलब ही वायु होता है। ठीक है, तो अल्प प्राण, महाप्राण। तो अब इसको देख लेते हैं क्या है, इसी टेबल में ही देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वही क, च, ट, त, प, ये सब लिखा हुआ है, और साथ में लिख रखा है कि पहला जो है हमारा, पहला जो वर्ण होता है यानी कि क वर्ग, सॉरी क, पहला पहला, सभी वर्ग, सभी का पहला वाला, क, च, ट, त, प। ठीक है, ऐसे ही ये हमारा अल्प प्राण है। अगला क्या है, फिर क से ख हो गया, क से क के बाद ख पे गए तो हमारा क्या हो गया, महाप्राण हो गया। दो नंबर महाप्राण हो गया। थर्ड नंबर पे आते हैं, फिर से हमारा अल्प प्राण हो रहा है, फिर महाप्राण हो गया, तो क्या बोलेंगे, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, पांच हैं। तो ऐसे सीरियल से याद रखो, पहला अल्प प्राण, फिर अल्टरनेट अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, ऐसे याद कर लो, याद हो जाएगा। क्लियर, ऐसे ही अघोष सघोष में क्या था, पहले दो हमारे क्या है, अघोष है, तो अघोष अघोष, सघोष सघोष सघोष, कैसे, अघोष अघोष, सघोष सघोष सघोष। अब टेबल माइंड में याद रखो कि पांच हैं, तो मैं पांच को डिवाइड करना कैसे, अघोष अघोष, सघोष सघोष सघोष। क्लियर, फिर अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, फिर अल्प प्राण लास्ट वाला। क्लियर हो गया, चलिए मतलब भी समझ गए होंगे आप। तो अब हमारी टेबल पूरी सामने है, तो ऐसे ही सभी हैं, क, च, ट, त, प, इन 25 जो हमारे स्पर्श व्यंजन है, इनका सिस्टम तो पता चल गया कि हमारा अल्प प्राण है या महाप्राण है, पता चल गया। अब जो बाकी बचते हैं इनको भी ध्यान रख लेते हैं। जो हमारा तीनों श हैं, ये क्या है, अघोष प्लस महाप्राण है, कैसे समझेंगे आप लोग इसको। तो अघोष का मतलब क्या है, कि वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए,
अघोष में वाइब्रेशन नहीं होगा। तो आप बोल के देखिए, स स श, वाइब्रेशन हो रहा है कंठ में? नहीं हो रहा है। लेकिन जो वायु है वो तेजी से निकल रही है, देखो श श श श श श हो रहा है, तो ये क्या है? महाप्राण है। क्लियर? अघोष प्लस महाप्राण, साथ में देखेंगे य र ल व, ये सब क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ये सभी हमारे अल्प प्राण है। अल्प प्राण क्यों? मैंने बताया था अभी आप लोगों को कि जो अंतस्थ क्या होता है, जो वायु होती है मुख के अंदर ही रह जाती है। वायु क्या है? मुख के अंदर ही रह जाती है, तो जब मुख के अंदर ही, तो बाहर ही निकल रही है, तो अल्प प्राण तो वो वैसे ही भी हो गए। ठीक है, साथ में सघोष है। क्यों सघोष है? क्योंकि फिर यहाँ पे वाइब्रेशन होता है, ये क्योंकि अंतस्थ है, कहते हैं ना कि अंदर से आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वाइब्रेशन भी होता है। कैसे? य देखिए, रख के देखिए, य र ल व, य र ल व हो रहा है, तो ये हमारे क्या हो गए? अल्प प्राण सघोष। ठीक है, 25 तो हमने वो याद कर लिए, वो समझ में आ गया, लेकिन इन चीजों को भी याद रखना, समझना जरूरी है। ह क्या है हमारा? ह क्या है? वायु तेजी से निकल रही है, तो महाप्राण। ठीक है, और कंपन भी हो रहा है, सघोष। ह कंपन भी हो रहा है, सघोष, तो महाप्राण सघोष ह है। इसके लिए ड और ढ जो हमारे द्विगुण व्यंजन है, ड और ढ जो कि हमारा द्विगुण व्यंजन है, तो इसमें ड जो है अल्प प्राण सघोष है, और महाप्राण सघोष कौन सा है? ढ। तो एक बार ये टेबल को थोड़ा समझ लीजिए, और इनके साथ में उच्चारण स्थान भी दिए हुए हैं, किसका उच्चारण स्थान कहाँ पे होता है, ये सब भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट टेबल है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रख लीजिए, काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, और इसके अलावा जो इनका उच्चारण स्थान है, इसके जो फॉर्मूले सिस्टम है, जैसे अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, इचुएश नाम तालु, ऋतु दशा नाम मूर्धा, ऐसे वाला जो सिस्टम है वो मैंने एक वीडियो में पहले करा रखा है, तो इसके जो मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा उसमें आपको ये नेक्स्ट वीडियो वो मिलेगी। क्लियर? तो आई थिंक ये बहुत हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए, समझ लिए तो। और ये हमारी वीडियो पूरी खत्म हो गई, लगभग लगभग 1 घंटे की पूरी वीडियो है, तो ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल है। ओके, तो ये हमारा चैनल है टीचरीफाई, अब तो खैर शायद नाम याद भी हो गया होगा आप लोग को, और इसको अब सब्सक्राइब करना है। मैंने बीच में क्या एक ही बार बोला है, मैंने फिर स्टार्टिंग में नहीं बोला, कहीं नहीं बोला, बट मैं लास्ट में बोल रहा हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप UPPET अभी फॉर्म आया है रिसेंट में, ठीक है, अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं, या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी करें, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा ये इस चैनल को सब्सक्राइब करना। UPTET, सुपर टेट हो गया, इन सब की तैयारी अगर कर रहे हो, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि मैं मेरी वेबसाइट है, वहाँ पर टेस्ट वगैरह भी मिल जाएंगे आपको, है ना, तो प्रैक्टिस भी होगी वहाँ पर, सब कुछ होगा, साथ में सब फ्री में। ओके, तो वीडियो अगर पसंद आई थी उसको लाइक करना, शेयर करना, फिर कमेंट करना, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई है, कोई सजेशन है, कोई नया टॉपिक पे समझना है आपको, कोई कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कमेंट में लिखो, फटाफट वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, तो मैं आपका दोस्त अनुपम राज, चलेंगे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ाई करिए।